सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस ब्लॉग पे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आपको अभी मैं कहाँ पे ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर रही हूँ वो बताऊँगी। और मतलब पतंजलि मैं जा रही नहीं हो पाता। जब जब मैं सोचती हूँ कुछ ना कुछ ऐसे रीज़न हो जाते हैं कि मैं नहीं जा पाती हूँ। अभी हमने वहाँ पे डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लिया था। उन्होंने मुझे 100% बोला था कि आपकी ट्यूब ओपन हो जाएंगी और कंसीव हो जाएगा। उन्होंने 100% बोला था। पतंजलि में हमारी टिकट वगैरह सब हो गई थी, उसके बाद भी कोई ना कोई रीज़न से हम नहीं जा पाए, है ना। और फिर अभी आगरे जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पर मतलब मेरे हस्बैंड ने पता किया है, उनके फ्रेंड्स ने बताया था। तो वो देसी दवाई के बारे में कुछ बताया था, तो वो 1 मंथ का कोर्स है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला पहले ये करके देख लेते हैं, है ना, अगर इससे ट्यूब ब्लॉकेज ओपन हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पतंजलि में मुझे लेना ही ट्रीटमेंट है, लेना ही है। सो अभी मैं पहले 1 मंथ ये वाला ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, देसी दवाई जो है उसका ले लेती हूँ ट्यूब ब्लॉकेज के लिए। वहाँ पर भी बहुत लोगों को कंसीव हुआ है उनकी दवाई से भी। सो उन्होंने भी मुझे अभी नहीं बुलाया है। अभी जब मेरे पीरियड्स हो जाएंगे उसके बाद 1 महीने की दवाई है, सिर्फ 1 महीने में क्या रिजल्ट मिलता है। और उन्होंने बोला है 1 या 2 महीने में आपको कंसीव हो जाएगा, नहीं तो 6 महीने तक का वेट करना, 6 महीने में हमारी दवाई में कंसीव हो जाता। तो अब मैं देखती हूँ वहाँ का ट्रीटमेंट लेके कि वहाँ पर ऐसा होता है कि नहीं, है ना। तो अभी जब मेरे पीरियड आ जाएंगे उसके बाद हमें जाना हैगा, तो वो 1 महीने की हमें दवाई देंगी। और उस दवाई में बहुत ज़्यादा परहेज है, ये है, जब तक उनकी हम दवाई खाएंगे तब तक हम बाहर की कोई भी दवाई नहीं खा सकते हैं, ना हम बुखार की गोली खा सकते हैं, ना सर्दी जुकाम कोल्ड ऐसे सबके किसी के भी टैबलेट अदर हम ले नहीं सकते हैं। और बाकी की चीज़ें जैसे दालें वगैरह हो जाती ना, उड़द की, मसूर की और भिंडी है ना, बैंगन, ये सब बादी की जितनी भी चीज़ें होती हैं, चाय वगैरह, ये सब आलू तक सब कुछ बंद करना है अभी जब उनकी दवाई लेना स्टार्ट होगा। तो ये सब का परहेज रहेगा और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं परहेज के लिए। सो ये करके मैं 1 महीने का उनका ट्रीटमेंट है, तो मैं सोच रही हूँ पहले ये ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, फिर मुझे पतंजलि में तो दिखाना है। वहाँ से हम डॉक्टर से भी बात हो गई है, उन्होंने अल्ट्रासाउंड के लिए बोला था। तो हम सोचे थे जब वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड करवा के ही उन्हें दिखा देते हैं रिसेंट का, बट वहाँ पर जाना नहीं हुआ। तो पहले हम सोच रहे हैं ये वाला ट्रीटमेंट ले लेते हैं। अगर इससे कभी कभी ऐसा रहता है, हम बहुत जगह भटकने के बाद मतलब बहुत बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाने के बाद भी एक छोटे से उसमें हमें मिल जाता है, तो वही मैं सोच रही हूँ एक बार यहाँ से मैं ट्रीटमेंट ले लूँ। और उसके बाद अगर हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर मैं आपको बताऊंगी मैं अभी कहाँ पर ट्रीटमेंट ले रही हूँ। अगर मेरे साथ पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूंगी कि मैंने कहाँ पर ट्रीटमेंट लिया है। 1 मंथ का उन्होंने सिर्फ ओनली 1 मंथ की दवाई बताई है। सो उन्होंने मतलब मेरा स्टोमक जो है, लोअर एब्डोमेन है, ओपरी साइड में उन्होंने खुद से चेक करके बताया था कि मेरे ट्यूब्स हैं जो वो भरे हुए हैं। अब उसकी मैंने फिर उनसे पूछा था कि मुझे हो जाएगा ना ये ट्यूब सही हो जाएंगे, तो बोलते हाँ हो जाएगा। तो मैंने ठीक है देख लेते हैं 1 महीने ट्रीटमेंट लेके। सो यही था, मैं इतने दिन से ब्लॉग इसलिए नहीं बना रही थी कि मैं किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ। तो आज का यही टॉपिक था कि अभी मैं कहीं पर ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट कर रही हूँ और इसका रिजल्ट जो भी होगा, निगेटिव पॉजिटिव जो भी होगा, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए।